नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरोनी चौधरी। चुनाव का सिलसिला अभी थमा नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल कुछ बढ़ सी गई है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि अजीत पवार की पार्टी के 15 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और वापस शरद की पार्टी यानी एनसीपी में शामिल होने चाहते हैं। हालांकि अजीत पवार ने इस दावे को इतना सीरियस नहीं लिया और शरद की बात का खंडन कर दिया। ये तो थी इन दो पार्टियों की बात, लेकिन अभी इसी तरह की खबर दो और पार्टियों से सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 5 से 6 विधायक यूबीटी शिवसेना के संपर्क में हैं और दावा किया जा रहा है कि वह यूबीटी सेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। और बताया जा रहा है कि जल्दी ही उद्धव ठाकरे इस पर फैसला लेंगे और घर वापसी होगी। लेकिन यूबीटी की तरफ से यह सब बयानबाजी सुनने के बाद शिंदे सेना की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव शिवसेना के दोनों गुटों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी कि कौन असली शिवसैनिक है। नतीजों की बात करें तो यूबीटी ने चाहे ज्यादा सीटें हासिल की हों, लेकिन शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट यूबीटी से काफी बेहतर रहा है। लोकसभा में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की और इन सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। महाअघाड़ी में प्रमुख पार्टियां शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 17 सीटें जीती। अगर हम बात करें यूबीटी की तो वे 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से कुल 9 सीटें ही जीत पाए। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में तो ये काफी कम है, क्योंकि पार्टी ने 22 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सीटों से ही संतुष्टि जतानी पड़ रही है। शिंदे सेना इस चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से पार्टी ने 7 सीटें अपने नाम की हैं। पार्टी का स्ट्राइक रेट 50% रहा है। शिवसेना के विभाजित होने के बाद दोनों गुटों के लिए यह पहला लोकसभा चुनाव था, जिससे ये साबित होना था कि वोटर्स के लिए आखिर असली शिवसैनिक कौन है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वी युवा न्यूज़।